कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले दिनों महाराष्ट्र से गुजरी। इस यात्रा ने देगलूर से रियासत महाराष्ट्र में अपने सफर का आगाज किया था। यात्रा में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करने वालों के लिए ये पल यादगार रहे। नांदेड़ शहर शोबे तदरीस से ताल्लुक रखने वाले सैयद आसिफ सर भी यात्रा के साथ चलते रहे। बिलाखिर इन्हें हिंगोली वाशिम हाईवे पर राहुल गांधी के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। सैयद आसिफ सर ने बताया कि इन्होंने इस मौके को गनीमत जानते हुए राहुल गांधी से अकलियती तबके को दरपेश कई संगीन मसाइल पर गुफ्तगू की। और क्या तासुरात थे आपके उस वक्त? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरी मुलाकात हुई वो हमारे कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट, माजी प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं हम, राहुल जी गांधी साहब से भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मुझे उनके साथ अंडर रोप चलने का जो एजाज़ है वो भी हासिल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला। हिंगोली वाशिम हाईवे पे मैं जो हूँ उनके साथ चला हूँ और उनसे मैंने जो है वो बातचीत भी की है। क्या थे बातचीत का विषय, क्या था? जी, बातचीत का विषय जो है, मैंने उनसे भारत की आज़ादी के बाद देश में हो रही स्पेशली मुस्लिम और अदर माइनॉरिटीज़ की जो हालात है उस ज़िमन में उनसे बातचीत किया, जिसमें मैंने उनसे जो है वो गोपाल सिंह आयोग जो 1980 में तत्कालीन इंदिरा जी की सरकार में बनाया गया था, जिसने 1983 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस ताल्लुक से भी उनसे बात किया और उसकी सिफारिशों को भी जो है लागू उस वक्त नहीं किया गया था। उसके बाद जो है 2004 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ये वादा की थी कि वो अल्पसंख्यकों को, देश में जो अल्पसंख्यक रहते हैं उन्हें जो है वो राइट्स देंगी, उनके जो राइट्स उन्हें मिलना चाहिए जो भारत की आज़ादी के बाद से लेके अब तक नहीं मिले हैं। जिसके बाद 2004 में कांग्रेस जो है वो अच्छे जो है सीट्स जीत के लोकसभा में जो है वो हुकूमत में आई, और तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 2004 में मुसलमानों की और अदर माइनॉरिटीज़ की देश में जो हालत है उसका जायज़ा लेने के लिए जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी को जो है वो 15 महीने की मोहलत दी गई कि वो अपनी रिपोर्ट सौंपे। उस समिति ने 2004 से 2006 तक मुकम्मल जो है वो मुस्लिम और अदर माइनॉरिटीज़ के जो देश में हालात है, फॉर एग्ज़ाम्पल शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्पेशली जो स्थिति है उसको बारीकी से जो है उसका मुताला किया, उसकी स्टडी की, और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट जो है वो तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को 2006 में सौंपी। उसको मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत ही संजीदगी के साथ लेके मुसलमानों को इंसाफ दिलाने, मुसलमान और दिगर माइनॉरिटीज़ को इंसाफ दिलाने के हिसाब से जो है वो बैकवर्ड कोटा से 4.5% आरक्षण जो है वो देने के लिए जो लोकसभा के तीनों सदनों में, संसद के तीनों सदनों में उसे पास किया। लेकिन उसी को फिरका परस्त जो ताकतें हिंदुस्तान में मौजूद है इन्होंने चैलेंज करके उस आरक्षण को कोर्ट से जो है वो रद्द कराया। जो है मुलाकात ये हुई तो बहस थी कांग्रेस के सरगर्म कारकुन या लीडर के हिस्से से मिले या मुसलमान के हिस्से से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक जो है वो विदर्भ के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से है, और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही NSUI, युवक कांग्रेस और मेन कांग्रेस, इन सभी कांग्रेस की जो विंग्स है इसमें काम कर चुका हूँ, और इसी बिना पे मेरे जो ताल्लुकात है वो तकरीबन विदर्भ
और महाराष्ट्र के जो सीनियर लीडरांस है इनसे होने की वजह से मैं उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो पाया।